नहीं सब बन सकते हैं तो लाल क्या मतलब बत्तीस हजार के अंदर नहीं सको सतनामा नहीं सको पवन नहीं सको उर्मिला नहीं सको पंद्रह बीस है क्या है हम तो कहो हम मानते हैं तेरे को लेकिन ये मन्ना एक जल नहीं सके हमारे पत्तीस आज अगर कोर्ट में अगर सही दस्तावेज पेश करते हैं तो नहीं होते हैं और बढ़िया है बोला को ध्यान दे ठीक है हेलो प्रार्थना कर रहा था दुख के घड़ी ऐसे बात नहीं होना रही से मैं आप मुझसे प्रार्थना कर रहा था सर मुक्ति कर रहा था अब मैं किस घड़ी में आया हूँ कैसे आया हूँ मैं खुद जानता हूँ आप मन के बीच में वही आशीर्वाद ले लाया हूँ कम से कम ये वाला बात ये हमें नहीं उठना चाहिए आपस में बात हो सकते भाई आप मन चाहत रहे अपन मंडाई चाहत रहे नहीं चाहत रहे बोला चाहत हंसना थे तो ये ऐसे टाइप बत्तीस विधायक वहाँ विधानसभा में कुछ नहीं बोले कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं बोले विधानसभा में अगर बोलते सीएम साहब को सामने में हाईकोर्ट में अगर दस्तावेज अगर पुट अप करते ना तो आज हमारा आरक्षण शून्य नहीं होता खांडेर रायपुर का एक वहाँ वो लगा है पीडब्ल्यूओ लगा है हाईकोर्ट में आज एसटी का आरक्षण खत्म ओबीसी का आरक्षण खत्म एससी का आरक्षण शून्य हो गया आज सोरेन सरकार झारखंड में 32% आदिवासियों को ओबीसी को 27% और एससी को 16% यहाँ भी देना हमारे 32 के 32 विधायक कुछ नहीं बोलते हैं वहाँ पे गुंगा और पहरा बन के बैठे रहते हैं चुप रहते हैं एकदम सही बात बोलता हूँ सीएम साहब के सामने में मैं उस दिन गया था साहब चुपचाप रहते हैं जी जी बोलते रहते हैं मैं इस बात को बिल्कुल अभी भी मैं तो हाथ जोड़ दी थी सब बात हो सकते जो बोला था सब सही है पर एक आराम से ये बात हो सकते ना ऐसे एकदम नहीं हो सके आराम से बढ़िया प्रधानमंत्री दादा मैं बोलता हूँ मंडावी जी हम लोग जिला बना में घोषणा कर रही है जिला बना दू अभी बता दो सीएम साहब ने बोला तो अभी वो भी कहा है की जिला बनाने वो भी घोषणा होगा सीएम आएगा आप जोड़ के आप लोगों को मैं दो बात कहने चाहता हूँ क्या नाम है ज्ञान सिंह ज्ञान सिंह दो बात मैं बोलता हूँ मैं भी गरीब घर से पैदा हुआ इसलिए तो थोड़ा तो सुनो ना बैठ के सुनना इधर सुन अभी भी आप बोल रहे थे ना विधानसभा में 32% लोग एमएलए लोग कुछ नहीं बोले बिल्कुल नहीं बोले लेकिन वो बिल आएगा तब तो बोलेंगे तब बिल आएगा उसका उसके बारे में 2011 का जनगणना को आदिवासी का अनुपात से अगर पुटअप हुआ हाईकोर्ट में अगर पेश करते ना 32 से 40 मिलता इधर सुनो तो यार 32 से 40 मिलता तुमको ये दो बात सुनो मैं भाषण के पहले मैं बात ऐसी बोल रहा हूँ ये बिल 2011 में भी विधानसभा में नहीं आया बताऊंगा मैं 2011-12 में मैं एक एमएलए था बस्तर में कांग्रेस का मैं एक ही आदमी था 8 में मैं एक ही आदमी जीता था पता है 8 में मैं एक ही आदमी जीता था 11 में विधानसभा को बिल नहीं लाए 12 में भी बिल नहीं लाए रमन सिंह अपना अपना मंत्रिमंडल में अध्यादेश ला के कोर्ट में पेश किया 11-12 को वही सब अध्यादेश और सब थोड़ा छोटो था उसके बाद कोर्ट ने हमको पता नहीं कोर्ट का लीक के रमन सिंह को दिया कि तुम लोग जो बेस पेश किए हो 32% ऊपर पिछड़ा को 27 आदिवासी को 32 और अनुसूचित जाति बोलते हैं उनको
को 15 13 के आसपास, 13.5 को देना है। वो क्या पेश किए हो, हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दिया, इसको रमन सिंह को, कि तुम पेश किए हो यह डेटा नहीं है। 32% किसको देना है, 27% किसको देना है, क्या जनसंख्या है, तुम सही किए नहीं हो, इसको सही करके भेजो, शपथ पत्र दो, शपथ पत्र के साथ हमको पेश करो, अब तुम इसका निर्णय करूंगा। ये रमन सिंह क्या कर दिया तत्काल, हमको तो पूछा नहीं, हम तो अलग पार्टी के थे, तो रमन सिंह तत्काल फिर मीटिंग बुलाया, नानकीराम जो गृह मंत्री थे, कमेटी बनाया, उसमें कौन कौन थे, ब्रजमोहन अग्रवाल, राम विशाल नेता, केदार कश्यप, इन लोग क्या किए नहीं किए उसमें ऊपर चेक किए, एक कागज मिला होगा आपको, मिला ना बाबू, वो कागज मिला होगा, मिला है मेरे पास, सब दस्तावेज है। उसके बाद मुख्यमंत्री कमेटी बना, अरे मुख्य सचिव का कमेटी, हम तो पेपर में तुम्हारे जैसे देखा हूं, वो क्या लिखा नहीं लिखा उसका कागज हमारे पास नहीं है, फिर पेश किया नहीं किया, उनका वकील क्या कर रहा था, हम राजनीति जानते हो, एक राजनीति आदमी कुछ नहीं करता। तब तक 2018 का चुनाव हो गया, इसका केस चल रहा था, 18 का चुनाव हो गया, चुनाव होने से हमारा सरकार आया 2018 के लास्ट में, 19 में हम लोग अगले महीना 17 तारीख को भूपेश बघेल शपथ लिया। शपथ लेने के बाद हम लोग को भी ना आदिवासी बोला, ना मीडिया वाला पूछा, ना विधानसभा में आया, ये बिल कभी नहीं आया, फिर क्यों चर्चा करेंगे, बिल विधानसभा में आएगा, मीडिया बोलेगा या समाज बोलेगा, हमारे समाज के नेता कोई लिख के भी नहीं दिया। तब तक वो कौन तो अनुसूचित जाति वाला, वो अपना पक्ष लगा, हमको 13% दे रहे, हमको 15% दे, उनका शायद 16% किया, उनको 16% नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा 13% आधा, लगभग 15.5 13। तो उसके बाद जब हमारा सरकार आया तो वकील गया, शायद हमारा सरकारी वकील कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देता है कोर्ट को, मैं इस बात को चर्चा करने चाहता हूं आपसे, अब तुमको मना रहे ना ऐसी, मैं अब तुमसे मैं चर्चा करने चाहता हूं, ये तो कांग्रेस सरकार का काम नहीं है, बीजेपी सरकार किया था, सरकार बदल गया, उस विषय में मेरा हमारा जो सरकारी वकील है कांग्रेस पार्टी का, वो जाके खड़ा हो गया, 10 बार खड़ा हुआ, 10 बार एप्लीकेशन लिख के देता कि ये जाति वाला मामला मेरे को आपसे चर्चा करना है, अभी तुम बोल रहे थे तुम्हारा भाषण नहीं छूना, बोलो नहीं छूना हमारा, तुम्हारा नहीं सुनूंगा, कोर्ट ने कहा तुम्हारा नहीं सुनूंगा, ये तो पिछले सरकार को मैं नोटिस दिया था, उन लोग तथ्य पेश नहीं किया, इसलिए तुम्हारा नहीं सुनूंगा, कागज को फेंक दिया, वहां तो लड़ाई नहीं कर सकते कोर्ट में। तो फिर अभी 2 महीना पहले, कौन सा तारीख, 20-22 तारीख, जैसे खारिज हुआ उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं 32% कम होगा, ये ठीक बोल रहा है, 32% भी नहीं है, 20 भी नहीं है, शून्य है, कुछ लोग मीडिया में बोल रहे हैं कि हमको 20% है, कोई 20% नहीं, 20% कोई नहीं है, 220 छात्र डॉक्टर बनने वाले थे ना, उसमें हम लोग 20% आया, फिर हम लोग कोलटाई में था, मैं भूपेश बघेल का बयान आया, मोहन मरकाम का बयान आया, ये सरकार जो किया है, कोर्ट ने जो फैसला है, हम इसको नहीं मानेंगे, आदिवासी के पक्ष में नहीं है, भीम अम्बेडकर का अधिकार में नहीं है। तब फिर हमारा समाज भी बैठक चालू किया, सबसे पहले बैठक हुआ बाबू 7 तारीख को दशहरा उंगलिया दरबार दंतेवाड़ा में, मुख्यमंत्री हुआ आया, उसके साथ मैं आया, तुम्हारा यहाँ का होटल सरदार का होटल, क्या होटल है, माकड़ी, हाँ वो होटल में आया, वो ही उतरे मनोज भट्टो हमारा 20 मिनट लुंगी में घूम रहा है, फिर वहां से गया कोदो कुटकी वाला जाके पीता काटे, मैं मनोज को बोला इसमें बैठ तुम काय के ले, कल आदिवासी का बेटी जाए पूरा सरगुजा से लेके सुकमा से लेके
सब लोग आ रहे हैं। चलो नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास काम है। नहीं उसको मैं बोला मर भी उसको चुन रहा है कि नहीं चुन रहा है। नहीं नहीं तुमको आदिवासी माफ नहीं करेंगे देख नहीं वो मैं बोला आदिवासी नहीं माफ करेंगे तुमको आना है। फिर वो भी गया दूसरा दिन 8 तारीख को। 8 तारीख को तुम भी गए वो आप सब उधर बैठे थे मनोज विक्रम मनोज विक्रम तीन विधायक तीन मनोज विक्रम और एक कौन है तीन विधायक हम लोग एक साथ थे आप लोग उधर थे एक कौन मनोजर विजयपुर वाला विजयपुर वाला और एक कौन है तीन विधायक तीन विधायक तुम्हारे साथ थे। हम लोग अनिला बेडिया वो शिक्षा मंत्री तो आया नहीं अनिला बेडिया तुम्हारा क्या नाम सरगुजा वाला मंत्री नहीं अमरजीत अमरजीत तुम्हारा मोहन मरकाम बस्तर के हम लोग दो लोग थे सरगुजा के थे कोरिया के थे वहां बैठे बैठने के बाद तय हुआ तुम फिर हम लोग पत्रकार वार्ता करेंगे आदिवासी शिक्षा कैसे ऐसा पार्ट हुआ है बल्कि फिर कांग्रेस बन गए। वहां से आने के बाद मेरे को पता चला कि मनोज लोग इधर बैठे थे कांगे होंगे सोनी कांगे हमारा ठाकुर तो फिर अब मैं घर में बुलाया तो घर में बुला के फिर दोनों टीम देख के हम मुख्यमंत्री के पास गए मैं ले गया और मुख्यमंत्री बोला हम इसको देख रहे हैं इसका गंभीरता से देख रहे हैं। फिर उस दिनेश की तरह करके फिर गया मैं फिर 29 तारीख को फिर बुलाया बाबू 29 तारीख फिर बैठक होगा फिर रेस्ट था उसको 29 तारीख फिर बैठक हुआ। बैठक होने के बाद उस दिन भी मैं खाना खिलाया आदिवासी लोगों को तो बैठक हुआ उस दिन इन लोग लिखे हम नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री के पास हमारा बात तो उसका नहीं बोले आदिवासी लोग तुम लोग जाओ मंत्री बन गए तो तुम जाओ। फिर मेरे घर में मीटिंग हुआ फिर हम मुख्यमंत्री को गए लिख के वह टेप किए आदिवासी लोग दस्तखत किए कांगे कांगे प्रकाश ठाकुर वगैरह सब एक कोराम साहब वगैरह सब तो लिख के दिए देने के बाद हम मुख्यमंत्री को बोले आदिवासी लोग क्या मांगती है आदिवासी लोग यही बात किए साहब सबसे पहले विधानसभा विशेष विधानसभा ठीक है वो भी बोला ठीक है। और दूसरा मांग किया है दूसरा मांग किए कर्नाटक में तमिलनाडु में महाराष्ट्र में वहां ओबीसी को इतना फलाना को इतना मिल रहा है एक कागज लिख के दिए पूरा आदिवासी लोग कोराम साहब भी है हमारा जयपुर का ठाकुर भी है सब लोग लिख के उस कागज को पकड़ दिए ठीक है विधानसभा होगा। मैं फिर कैसे करना है इन लोग बोले हमारे अधिकारी लोग आदिवासी लोग जाएंगे कर्नाटका तमिलनाडु भूपेश बघेल ने एक कहा आदिवासी लोग जाएंगे तो वह कागज नहीं मिले सरकारी कागज हम सरकार का अधिकारी जाएगा उसके बाद आदिवासी भी जाएगा सब एमएलए को महीना महीना का एक एक महीना का तनखा देने के बाद हुआ उस लोग दे दिए उससे तो हम ज्यादा ही दिए अभी हम टीवी में बोलना अच्छा नहीं है जहां जहां गए अभी प्रकाश ठाकुर गए ना मैं 2 गाड़ी कर दिया हूँ उन लोग अलग से गए अभी आए जगदलपुर रात को पहुंचे अब शाम को मेरे से मिलेंगे अच्छा मैं जा रहा हूँ कल कैबिनेट में बात रखेंगे तो वो बात तो आने के बाद सरकारी अधिकारी आने के बाद फिर फसला हुआ कि विधानसभा लाएंगे हमारा आदिवासी पक्ष में हम विधानसभा बुला रहे हैं 1 तारीख को बुलाएंगे 2 तारीख चर्चा करेंगे कौन कौन क्या बोले उस दिन सबको भाग लेना है हमारा आदिवासी को क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए। पर 1 तारीख को पास होगा पास होने के बाद हम कोर्ट में नहीं जाएंगे राज्यपाल बन जाएंगे राज्यपाल ये अनुमोदन करता है उसके बाद राष्ट्रपति बन जाएंगे अनुमोदन नहीं राज्यपाल थ्रू जाए राष्ट्रपति जाएगा ये तो तय किया हुआ है ये 2 महीने के मामला है ना हम आदिवासी है भाई अगर मैं तो अभी चुप जगह भाषण में बोल रहा हूँ ये काम नहीं होगा अगले समय चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं इस्तीफा दे दूंगा एमएलए पद से मंत्री पद से अब फिर भाषण में बोल रहा हूँ अगर इतना ही बोले रहते उस समय 32 विधायक ना अगर हमारे एक काम नहीं होगा हम इस्तीफा दे देंगे इतना ही में सरकार हिल जाती नहीं भाई वो तो तुम मनमानी बना सकते हो यार सब मीटिंग में होने के बाद बोल रहा है ना एक पहले बोलने से कैसे होगा एक आदमी के सामने घूम जाते हैं 32 आदमी हम कभी नहीं घूमता रही
हमारे आदिवासी सभी तो घूम गए। मैं आदिवासी के बारे में मैं बोलता हूँ, मैं गाड़ी किराए करवाता हूँ, मैं लड़ता हूँ। फिर 8 मीटिंग हुआ बाबू, तो हमको दिखाने जगदलपुर में भी आदिवासी को मैं बुलाया था, जगदलपुर के पूरे एमएलए को बुलाया था, मैं अन आदिवासी एमएलए को बुलाता था। और शिक्षा मंत्री बुलाता नहीं ऐसा लोग, शिक्षा मंत्री प्रेम साहब बस्तर दौरा नहीं किया है आज तक, बस्तर दौरा आया भी नहीं है अभी तक। जो बोला शिक्षा सुनो बाबू, मैं अब आदिवासी होने से हमारा हाई स्कूल यहाँ पर मैं 3 बार शिक्षा मंत्री को लिख के दिया हूँ उसके ऑफिस में जाके। उस समय वो नेताम मैडम उसको ओएसडी थी बीजापुर में, तो एक हमारा हाई स्कूल को 3 बार लिख के दिया हूँ मैं। सुनो बाबू, बीजापुर मीटिंग हुआ पूरा कर सब, मैं सब जगह बोला आदिवासी सम्मेलनों का मैं कर सकता हूँ, वहाँ का करना वहाँ का कर सब मैं दिया, जहां जहां भी बोला देवगुड़ी पर अनेक बात मैं किया। हमारा जो बावन आदिवासी बावन जगदलपुर में इतना पुराना बस्ती है, मारवाड़ी लोग का बावन है, पंजाबी लोग का बावन है, 15 साल केदार का सेब रहा, एक जो झोपड़ी नहीं बना दिया। मैं 6 करोड़ 5 लाख रुपया दिया हूँ, बन रहा है, और सर्व समाज के लिए 4 करोड़ रुपया दिया हूँ, कोंडा गांव के लिए 2 करोड़ रुपया दिया हूँ, सुकमाली के लिए 2 करोड़ रुपया दिया हूँ, दंतेवाड़ा में 5 करोड़ रुपया दिया हूँ, बीजापुर में 1 करोड़ रुपया दिया हूँ। ये आदिवासी पक्ष में मैं तो लड़ रहा हूँ, मेरे सामने मेरे को ऐसा चिल्ला रहे थे, मेरे को आरक्षण की बात इधर सुनना, इधर सुनना, तो हर कोई देगा, मंत्री का देगा भवन, मैं घोषणा में नहीं बात में तो भी दे देगा जी, भवन देना बड़ी बात नहीं है, आरक्षण की बात हो जाएगा, थोड़े थोड़े तो समाप्त हो जाएगा। ये संवाद स्तर में कोई नहीं दिया है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री तो बन, मैं पहली बता तो आदिवासी होंगे सबसे पहले इस्तीफा देने वाला वो होगा, आपको आदिवासी का अगर काम नहीं मिलेगा, अब तुम्हारा क्या सामने बोल के जा रहा हूँ, टिप करो टेप, हमारा लड़ाई नहीं होगा, 32% नहीं मिलेगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री, तुम तो दोनों बात करता है, मुख्यमंत्री बनो मत बनो, तुमको एक बनाते बढ़िया बात कर रहे। लेकिन मेरे को बात अच्छा लगा कि अगर आरक्षण 32% नहीं दूंगा नहीं देगा तो इस्तीफा दे दूंगा, अगर सबने ऐसे करते बहुत हमारे लिए सराहनीय होता, बिना बुलाए हम सबको वोट दे देते, बिना बोले पेपर में आएगा 32 विधायक बोलता हूँ, अगर ऐसे अगर कर देंगे ना बिना बोले निर्विरोध जीतेगा, निर्विरोध जीता देंगे, निर्विरोध। एक मिनट साधना, मैं भैया मेरे हमेशा साथ साथ जा रहे हैं, जहाँ भी मैं चुनाव सभा हमेशा साथ है, पर ये वाला बात जो है भैया हमेशा आरक्षण वाला है, बोले अगर नहीं होगा तो मैं पहला विधायक होगा या मैं पहला आदिवासी विधायक मंत्री होगा जो अपने पद से पूरा इस्तीफा दे दूंगा, बोले पर ये वाला बात जरूर जहाँ जहाँ जा रहे हैं भाषण में बोल रहे भाई, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ना, इसलिए बात जरूर भैया बोल रहे हैं, भले सबसे कम पढ़े लिखे विधानसभा लेकिन अकेला बंदा बोलते हैं सीएम साहब को, बाबू मैं मेरे पास SC ST OBC रोड में लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने, करो मत 2 तारीख तक मत करना, हम करेंगे उसका, लेकिन हाईकोर्ट में मामला पेट फंसेगा, हाईकोर्ट अभी जो भूपेश सरकार जो खांडे साहब जो लगाए थे ना हाई कोर्ट में, अभी उसको लाल पत्ती दे दी, अध्यक्ष बना दिए, वो हमारा विरोध करने वाला को आप ऐसे लाल पत्ती अध्यक्ष बना दिए, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिए, उसको लाल पत्ती दे दिए, उसका समाज का बना दिए, हमारा समाज का थोड़ी बना, लेकिन वो हमारा ऐसी तैसी किया ना STSC का, लेकिन अनुसूचित जाति को अध्यक्ष बना दिए, हमारा अधिकार का विरोध करता है उसको आप लाल पत्ती दे देते हो, उस बात को भी मैं कर रहा हूं, बिल्कुल रखो, हम मीडिया में आना चाहिए, कैबिनेट है उस बात को भी बिल्कुल, हमारा अधिकार गांव गांव में जाते हैं प्रचार के लिए, तो ऐसा बात आ रहा है, बिल्कुल बोलो, कौन बोला, बोले ज्ञान सिंह गौर बोला, बोल देना तुम्हारा घर में, मैं इसको बोला मारवाड़ी का, इधर सुनो
मेरे कोई नहीं बैठता है मरवाड़ी, क्या मैं नाश्ता किया हूँ जी। मैं इसको बोला इसका घर जाना है, उसके यहाँ उस दू को गोया किसी घर में काशीराम जरो किया, उसको पहले बताओ। मेरे एक आदमी बताया आपका नाम, उसी काम में रहता है लड़का, उसके पास जाना, दू को है उस घर जाना है। मैं यह बात दे के आप उधर होकर जाने वाला हूँ, ये बात तुम अच्छा विरोध किए, इसलिए मेरा दुख भी नहीं है, अच्छा किए। हमारा अधिकार कौन लड़ेगा, नौजवान नहीं लड़ेगा, हम आपको पाकिस्तान का आदमी लड़ेगा, जैसे आप बनोगे आपको भी प्रतिनिधि लोकाने के लिए हम भेज रहे हैं। हमारा बात ही नहीं रखो कि विधानसभा में, तो क्या मतलब बने रहने से, हमारा कहने का मतलब यही है बेटा। रमन सिंह ने 700 काम खाली किया, मैं एक आदमी हूँ, जान को सौंपी करके हमारा 300 घर जलाया, कहा मैं गया हूँ, एड्स बेटा में 8 लोग को मारे मैं गया हूँ, साल के गुड़ा में 19 लोग को मारे मैं गया हूँ, कोंजेर में मारे मैं गया हूँ, और तुम्हारा पैदा गेले श्रीनगर हमारा आदि सेवासी बुलत्कार किया मैं गया हूँ, जो तुम्हारा नागा फोर्स आया था हमारा आदि बेची बेटी बहन के साथ आप व्यवहार कर रहे थे नागा को, और क्या फोर्स था मिंजो, वो फोर्स बकरा काते थे, उत्तर कुक्का काते थे, उसको मैं भगाया हूँ लड़ लड़ के, आदिवासी लिए मैं लड़ा हूँ, कितना लड़ा मैं जानता हूँ, जब से विधायक बना जब से लड़ नहीं है, अभी भी लड़ूंगा, आगे साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे सामने धरती को पकड़ के बताओ, ये धरती को पकड़ रहा हूँ, अगर आदिवासी नहीं रक्षा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा बस, यही हमको ऐसी राजनीति करने वाला आदमी चाहिए, हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई, चलो जोरदार ताली मारो। आज